हाय माय यूट्यूब फैमिली। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं रोज़ा वगैरह था तो मेरे को टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं थोड़ा किसी कारण से मेरा रोज़ा छूट गया था, तो मैं अभी जा रहा हूँ लातूर को। लातूर की मस्जिद में इफ्तारी के लिए क्या क्या बनता है इसके लिए मैं थोड़ा जा रहा हूँ लातूर को। तो अपनी गाड़ी लिया, अपने दोस्त को साथ में ले लिया। इफ्तारी का समय मैं अभी 1 घंटा बाकी था तभी मैं जा रहा था लातूर की मस्जिद में। तो यहाँ पे थोड़ा तुम्हारे को हारमोन की ब्रिज के ऊपर से राइट साइड का जो लोकेशन दिख रहा है ना, यहाँ पे 5 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम खुला खुला था। अभी इतना सिटी वगैरह हो गया ना, यहाँ से रात के टाइम का नज़ारा बहुत बढ़िया दिखता है। मैं तुमको रात के टाइम वापस जाते टाइम यहाँ का वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसलिए मेरा पूरा वीडियो देखते रहो। और इफ्तारी के लिए लातूर में क्या क्या स्पेशल बन रहा है वो भी देखने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहे। ये आप ना आया अभी शिवाज चौक में, शिवाज चौक में से गोलाई को जाने के लिए डायरेक्ट नीचे से भी जा सकते हो और ऊपर से भी जा सकते हो। ऊपर से जाओगे तो थोड़ा ट्रैफिक रहता है, ऊपर से जाओगे तो राइट साइड में जाओगे तो अपना आवसा रोड आता है और लेफ्ट साइड में अंबाजोगा रोड, तो वहाँ से सीधा आओगे तो तुम डायरेक्ट गोलाई आओगे। गोलाई से आने तो यहाँ गोलाई में थोड़ा आज बरसात का मौसम था तो यहाँ पे थोड़ी बरसात वगैरह हो गई थी, इसलिए ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं थी। तो भीड़ नहीं थी तो मैं बोला चलो ठीक है, अपना उतना वीडियो अच्छा बनेगा बोलकर तो मैं मेरा गाड़ी साइड में पार्क कर अपना चलते ही जा रहा था अंदर। तो अपने को पूरा ब्लॉग लेना था तो यहाँ पे रास्ते में एकदम लाइटिंग वगैरह लगा लिया है, तो यहाँ पे गाड़ी चालू रहते हैं, यहाँ पे इफ्तारी के पार ईशा तक चालू रहते हैं। किसी को खरीदी करना है तो आ सकते हो और यहाँ पे तुमको एकदम कम प्राइस में मिलता है। यहाँ पे अभी मैं तुमको जो दिखा रहा हूँ ना, इफ्तारी के लिए भी बनता है, इफ्तारी के बाद भी किसी को चाहिए खाने के लिए भी तो आकर ले सकते हो। मेरे हिंदू भाई के लिए ये सब नया रहेगा, ये मच्छी फ्राई है, चिकन रोल, ये बहुत सारे यहाँ पे आइटम है। तुम आओगे तो तुमको पता चलेगा, किसी को चाहिए तो आके ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे वीडियो मेरे को शूट करने के लिए आया नहीं क्योंकि इतना भीड़ नहीं था, तो मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूँ। किसी को अगर खाने पीने का शौक है तो यहाँ पे आके ले सकता है। तो मैं बरसात हो गई थी तो मैं थोड़ा चाय वगैरह पीना बोला तो मैं चाय पी रहा था। यहाँ पे केक के बोलकर है, यहाँ पे चाय भी अच्छा मिलता है और मसाला दूध भी अच्छा मिलता है। फिर मैं यहाँ का थोड़ा शूट लेकर अपना वापस जा रहा था, तभी रास्ते में ये जूस का गाड़ा था, यहाँ का जूस का गाड़ा वगैरह कवर करा। फिर यहाँ पे नया और कुछ कुछ मिलता देख रहा था, यहाँ पे ये टोपी रुमाल सब कुछ मिलता है। यहाँ पे किसी को चाहिए ना तो आकर ले सकते हो। हिंदू मेरे भाई जो भी है ना, वो भी लोग ना यहाँ पे आकर जरूर टेस्ट करो। तो खाने को इतना बढ़िया बढ़िया मिल रहा है ना यहाँ पे, बहुत बढ़िया मिल रहा है। ऐसा रमजान में ही चालू रहता है सब। रमजान के बाद ये वीडियो शेयर करो क्योंकि यहाँ वीडियो में मैं बता रहा हूँ जो जो खाने का बढ़िया मिल रहा है। मैंने यहाँ पे 1-2 आइटम टेस्ट किए, खाने को बहुत बढ़िया था लग रहा है मेरे को भी। और किसी को चाहिए तो यहाँ पे आके ले सकते हो। ये रात तक चालू रहता है, ईशा के बाद बोले तो अपना 8-9-10 बजे तक चालू रहता है। किसी को खाना है तो यहाँ के आकर जरूर टेस्ट करो, खाने के लिए सब बढ़िया है। तो मैं अभी निकला था अपने घर तरफ, तो मैं सोचा कि जाते जाते यहाँ का अपना गोलाई का भी थोड़ा वीडियो वगैरह बनाऊँ। बहुत दिन से सोच रहा था वीडियो बनाऊँ तो ज़्यादातर भीड़ रहता है इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज वो बरसात वगैरह हो गई तो भीड़ वगैरह नहीं थी, तो मैं बोला चलो ठीक है, बोले यहाँ का थोड़ा वीडियो वगैरह शूट करेंगे फिर निकलेंगे अपने। फिर तभी मेरा गाड़ी चालू किया मैंने, गाड़ी चालू करके थोड़ा अपना गोलाई को राउंड मारा। ये गोलाई बहुत पुरानी है, गंज गोलाई बोले तो, गंज बोले तो उर्दू का शब्द है गंज, बोले तो बाजार ऐसा कुछ तो भी है इसका, ज़्यादा मालूम नहीं है। वीडियो वगैरह देखो बढ़िया है, ये मार्केट चालू था थोड़ा बहुत। ये अगर ऐसे आओगे तो तुम तो पूरा मार्केट भरे वाला रहता है, और आज वो रंग पंचमी था इसलिए मार्केट थोड़ा बंद था और ऊपर से बरसात भी हो गई थी इसलिए मार्केट थोड़ा और बंद था। नहीं तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तुमको वीडियो निकालने उसका टाइम नहीं मिलेगा, इतना भीड़ रहती है। तो मेरा अच्छा हो गया आज, मेरा दोनों भी काम हो गए, गोलाई को भी कवर किया मैंने और रमजान स्पेशल जो भी यहाँ पे खाने मिल रहा था वो भी कवर किया। तो थोड़ा अपना गोलाई का राउंड वगैरह मार कर अपना फिर आप निकले अपने हारंगुल के रास्ते को। ये आए अपने गांधी चौक में जा रहा था, अभी गांधी चौक में जाते जाते फिर यहाँ पे आप रास्ते ऐसे मेरे ब्लॉग देखते रहो। मेरे ब्लॉग बहुत काम के रहने वाले हैं, मेरे ब्लॉग में बहुत मैं काम का सिखाने वाला हूँ। ऐसे वीडियो देखते रहो, शेयर करो सभी लोगों को, लाइक करो, सब्सक्राइबर करो, बाय। वीडियो को स्टार्टिंग तुमको जो बताया था मैं हारमोन के ब्रिज के ऊपर से लोकेशन का वो नज़ारा दिख रहा है ना, वो नज़ारा है बहुत बढ़िया नज़ारा दिखता है यहाँ से। रात में किसी को आकर देखना देख सकते हो। मैं तभी जा रहा था घर तरफ तो तभी रास्ते में मस्जिद का लोकेशन देखो कितना बढ़िया सजाया है। ऐसे मैं लातूर को कवर करने वाला हूँ, घूमने वाला, ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तो मेरे वीडियो देखते रहो, दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मेरे को कुछ गलत हो रहा तो